के सबब मरीजों की तादाद में शिदत से इजाफा। वायरस के सबब हलाकतों की तादाद 70 तक जा पहुंची। नाजरीन हम आपको बताते चले कि मुल्क भर मुआशी तंगी का शिकार है। जी हां नाजरीन, वायरस के सबब मुल्क भर में भूख अफलास बढ़ती जा रही है। कराची के शहरियों का हर तरफ एहतजाज। अपोजिशन के तमाम बड़े रहनुमा का कहना है कि हालात बहुत टाइट हैं। नाजरीन हर तरफ वायरस 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 मामा वायरस। मामा ओहो क्या है, नाश्ता दे दें। टाइम देखा है तुमने, ये कोई वक्त है तुम्हारे नाश्ते का? 1:30 बज रहे, मेरा बस यही काम है तुम लोग को नाश्ता कराती रहूं सारा दिन। अम्मा मुझे क्यों डांट रही हैं, सारे सो रहे हैं, सबसे पहले उठाऊं मैं? ओ खुदाया, इस कदर नालायक औलाद से पाला पड़ा मेरा। मामा वो धुले हुए कपड़े किधर रखे हुए? वो मुझे शर्ट चाहिए। तुम्हें पता नहीं है काम करने वाली नहीं आ रही है? ये कपड़े जो तुम लोग मैले कर करके फेंक रहे हो, इन्हें तुम्हारा बाप धोएगा? पता नहीं, बाबा से पूछ लेता हूँ। बेशरम इंसान। अच्छा अच्छा मामा, शर्ट को छोड़ें, ये नाश्ते के साथ आप चाय भी देंगे ना? बैठो, जाकर ला रही हूँ मैं। अपने नाश्ते के बर्तन खुद धोना, सारा दिन मैं बर्तन नहीं धो सकती। अच्छा अम्मी। मामा नाश्ता दे दे। आ गया तू भी जवान होकर। इन शॉर्ट, अक्सर घरों के तमाम अफराद अलग अलग रूटीन्स पर चल रहे हैं, रात और दिन का तो कोई फर्क ही नहीं रहा। हर घर में कम से कम एक शख्स तो वायरस के मामले में जरूर लापरवाह मिलेगा, और इसके मुकाबले में घर में एक फर्द ऐसा जरूर होगा जो एहतियात के मामले में सही पैरानॉइड हो। भाई कहाँ जा रहे हो? भाई मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझसे नहीं रहा जा रहा घर में। मामा को बताती हूँ, अभी खुद तो बीमार होगा, हम सबको भी बीमार करेगा। अपने काम से काम रखो, मुझे ना सिखाओ ज्यादा। अम्मी भाई बाहर जा रहा है, कोई जरूरत नहीं, दिमाग ठीक है तुम्हारा? अरे अम्मी यहीं सिर्फ दुकान तक जा रहा हूँ ना। कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें एहसास है बाहर क्या हालात चल रहे? अच्छा अच्छा यहीं बाहर रोड पे खड़ा हूँ। हरगिज नहीं, आराम से घर में बैठो। भाई क्या है, मैंने घर में रह कर पागल हो जाना है ना? देखो मुझे परेशान ना करो। अच्छा शबाना चाय बना दो तुम मुझे। भाई क्या है, अच्छा बना देती हूँ। चाय का दूध रखा? हाँ हाँ रखा हुआ, सौदे में आ गया था। पर पीने का पानी तो लाने वाला है ना, अब तो मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा। बहुत चलाक हो तुम। ठीक है मगर एक शर्त पे, बाहर जाने से पहले हाथों पर प्लास्टिक के ग्लव्स होंगे और मुंह पर मास्क होगा। जाने से पहले हाथ सैनिटाइज करोगे और वापस आकर पहले हाथ धोगे, फिर नहाओगे और उसके बाद वापस से हाथ सैनिटाइज होंगे, और आने से पहले चप्पल तुम बाहर उतार कर आओगे। ओ क्या हो गया, मैं बाहर ही नहीं जाता, रहने दो तुम। हाथ दूर रखो, तुम्हें वायरस आ चुका है। ओ भाई क्या हो गया, मैं बाहर अभी तक गया ही नहीं। जब बाहर जाने का सोचा तो है ना, सोचने से भी वायरस आ सकता है। घर में रह के खुद तो पागल हो गई, मुझे भी पागल करेगी। तुम्हें नजला हो रहा है? नहीं यार। हो रहा है तुम्हें नजला? मैंने खुद सुना है तुम्हारी नाक से भी आवाज आई है। ओ यार माफ कर दो मुझे। एक और बहुत बड़ा मजाक आजकल वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर चल रहा है। इन ऑनलाइन सेशंस में काम कम और घर के धोबी मसले ज्यादा बॉदर कर रहे होते हैं। अच्छा तो क्लास आपने बुक से थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर पढ़ना है, और उससे रिलेटेड असाइनमेंट आपने आज 12 बजे तक सबमिट करानी है। असाइनमेंट मैंने आप लोग को ईमेल कर दी है। सर जब पढ़ना भी खुद है, असाइनमेंट भी खुद करनी है, तो ऑनलाइन क्लासेस का क्या फायदा है? तो बेटा आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ लेना मुझसे। सर ये ऑनलाइन क्लास रात के 2 बजे नहीं हो सकती। क्या मतलब, दिमाग ठीक है आपका? सर रात 2 बजे सब जागे होते हैं, सुबह 9 बजे तो नींद से बुरा हाल हुआ होता है हमारा। नॉनसेंस बातें आप लोग अवॉइड करें, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले। सर ये गालिब फिल्म देखी है आपने? कौन था ये? जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, घर के अफराद का बाहमी टकराव और टसल भी बढ़ता जा रहा है। यार तुमने फिर मेरे मोबाइल चार्जिंग से हटा दिए, मेरा चार्जर वापस करो। अच्छा अच्छा ले लेना, अभी मेरा दिमाग ना खाओ। यार मेरे हेडफोन वापस करो, बगैर पूछे ना लिया करो। यार तुम लोग बात सुनो मेरी, अपनी इज्जत अपने हाथ है, मेरा दिमाग वैसे ही पोला हुआ है, इस वक्त ज्यादा दिमाग ना खराब करो। खाम खाम बिज़त हो जाना है तुम लोगों ने मुझसे। ये क्या बात हुई यार, अपनी चीज इस्तेमाल किया करो। यार तुम तो चुप हो जाओ, तुमने वैसे ही फ्रेंडली फायर में मारे जाना है। अरे भैया क्या कर रही है सुबह से? अबे क्या भैया भैया लगाया, खावंदू तेरा, सारा दिन क्या व्हाट्सएप पे लगा रहते हैं, किससे बात चल रही है? हाँ तो और क्या करूँ, ना तू घर से बाहर जाने जाती, ना तू घर में सुकून लेने दे रही है। अच्छा अच्छा ज्यादा बहस नहीं करो, उठो बिस्तर से, पूरा बिस्तर खराब कर रखा है तुमने। हाँ तो कहाँ जाऊँ फिर? अरे भाई मुझे नहीं पता, कमरे से बाहर जाओ। बड़ी भी तुझे तो खुदा ही पूछेगा। अरे हाय किचन में क्या करने जा रहे हो? कुछ खाने को देख रहा हूँ, भूख लग रही है। हाजी साहब अभी तो नाश्ता किया है तुमने, अपना वजन देखो, कुछ खुदा का खौफ करो। भाई मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझसे नहीं रहा जा रहा इस घर में। अरे हाय चल चल ड्रामे बंद कर, घर में क्या मसला है? नहीं कोई मसला नहीं है, सब कुछ ठीक है।